विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस भिलाई नगर दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का सब्जेक्ट बीटेक प्रोग्राम के लिए मशीन ड्राइंग से है। विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के द्वारा मशीन ड्राइंग को पावर पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है, उसके बाद उसको वीडियो बनाया जाता है। पावर पॉइंट से छोटे कर्व, छोटे लाइन या छोटी सेक्शनिंग लाइन और कुछ पार्ट्स को बहुत ही एक्यूरेटली ड्रा नहीं हो पाता है, अतः सब अप्रोक्सीमेट साइज में ड्राइंग बनाई जाती है। इन ड्राइंग को छात्रों को सलाह दी जाती है कि वह रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें तथा मेन पढ़ने का काम या समझने का काम अपने टेक्स्ट बुक या टीचर के द्वारा बताए हुए क्लास में ही समझें। ड्रिल जिग, आज ड्रिल जिग क्या होता है, इसकी असेंबली कैसे होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ड्रिल जिग एक फिक्सर है कि जो लेथ मशीन में किसी जॉब को प्रॉपर फिक्सिंग कर उसका ऑपरेशन किया जाता है। आइए देखिए, ड्रिल जिग, ए जिग इज ए वर्क होल्डिंग एंड टूल गाइडेड डिवाइस विच मे बी यूज फॉर ड्रिलिंग, रीमिंग, बोरिंग एंड सिमिलर ऑपरेशन इन द मास वर्क। जिग जो है टूल को और वर्क को दोनों को फिक्सिंग के लिए है तथा तो गाइड भी करना है, फिक्सिंग के साथ साथ गाइड भी करना है। ये देखिए, ये जिग जो ड्रिल जिग इस तरह का होता है, ये इसमें ये एक नट होती है और ये क्या लैच वॉशर होता है, ठीक है, इसको लूज करके, इसको हटा करके और इस जो सेटिंग डिवाइस है या अपना जो वर्क पीस है, ये इसके से प्रेस से दबा रहता है, इससे के थ्रू गाइडेड होता है। अतः जॉब हम यहाँ फंसा देते हैं, उसके ऊपर इसके सपोर्ट से उसको लॉक कर देते हैं और इसके फिर लैच वाला बोल्ट लगा करके इसे हम टाइट कर देते हैं। तो इसके थ्रू यहाँ पर जॉब को लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए यह नट का यूज होता है, साथ में ये लैच जो वॉशर है इसका सपोर्ट लिया जाता है। आइए इसके बारे में और हम बात करते हैं। यह देखिए ड्रिल जिग है, इसके डिफरेंट पार्ट का ड्राइंग है। जैसे ये बेस प्लेट है, ये स्टेम है, ये देखिए ये बेस प्लेट है, ये वाला पार्ट स्टेम है, ये जिग प्लेट है, ये देखिए ये स्क्रू है, ये देखिए यहां लॉकिंग करने के लिए ये स्टड है, ये देखिए इसी के ऊपर नट सेट लैच वॉशर को हम टाइट करते हैं। ये ऊपर के नट है, ये बुश केस हार्डनिंग, ये इसके अंदर देखिए ये जो ए लगा हुआ है ये बुश है, ये इस तरह का थोड़ा बड़ा इसमें ड्राइंग में दिया हुआ है, छोटा बहुत छोटा रहता है। और ये लच वाशर है, ये स्क्रू है और इन सबको मिला करके ये असेंबली बनती है। ये देखिए ये पार्ट नीचे है, ये पार्ट है, इन दोनों को जोड़ने के लिए ये स्क्रू है, ये पार्ट देखिए यहाँ पर लगा है, इनको जोड़ने के लिए ये देखिए यहाँ से एक स्टड, ये वाला स्टड लगा रहता है, इसके ऊपर नट रहता है, उसको के नीचे में लच वाशर होता है, लच वाशर एक स्क्रू के द्वारा टाइट रहता है। इस तरह से ये असेंबल्ड ड्रिल जिग है। आइए अब हम असेंबली ड्राइंग कैसे करेंगे इसके बात करें। इसके पूर्व कई वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि असेंबली ड्राइंग को ड्रा करने के लिए कई पैरामीटर का ध्यान रखा जाता है, मतलब डायमेंशन मैपिंग, ऑपरेशनल मैपिंग, साथ में किस पार्ट का कहां सेटिंग होगा यानी ज्योमेट्रिकल मैपिंग, इसका आपको ड्राइंग देख करके या उस चीज के बारे में, उस मशीन पार्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत पूर्व में जानकारी, जैसे मैंने ड्रिल जिग के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताया। तो यहां देखिए, अभी हमने पार्ट बेस प्लेट ये है, स्टेम ये है, जिग प्लेट ये है,
स्क्रू ये है, ये इस तरह से पूरे पार्ट स्टड ये है और लैच वाशर ये है कि, और ये देखिए ये बुश है, ये अंदर यहां लगेगा। इस तरह से ये पार्ट लिस्ट है, ये पार्ट्स के ड्राइंग है। इसको अगर आप मोटी मोटा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के हिसाब से या ज्योमेट्रिकल मैपिंग के हिसाब से आप दिमाग अगर लगाते हैं तो देखिए ये पार्ट नीचे रहेगा, इसके ऊपर ये आ जाएगा, उसके ऊपर ये आ जाएगा, उसके ऊपर ये, इसके अंदर ये टाइट हो जाएगा। देखिए इनके डायमेंशंस देख करके आप अंदर M20 इसके अंदर आ जाएगा। और मैंने आपको साथ में ड्राइंग में बताया कि ड्रिल जिग किस तरह का होता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन से आपको सेट करना है। ये देखिए जैसे लैच वाशर ये यहाँ लगेगा, वो इस स्क्रू से टाइट होगा, ये बुश जो है इसके अंदर फिट होगा। इस तरह से आपको ड्रिल जिग का असेंबलिंग करना है। अब हम पावर पॉइंट के माध्यम से सबसे पहले कैसे बनाते हैं, पहले देखिए हम इसको बनाएंगे, देन इसके ऊपर इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, कैसे बनाते हैं आइए हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। असेंबली ऑफ द ड्रिल जिग, ये देखिए यहां पर मैं इसको कॉपी पेस्ट इसलिए कर लिया हूं कि मैं आपको आसानी से बता सकूं कि, या आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा अतः क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप इसको पढ़ के देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है अतः इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब इसके आधार पर मैं एक एक करके ड्रॉ करता चला जाऊंगा और किस तरह असेंबली की जाती है उसके बारे में हम बात करें। यहां एक चीज और बता दूं कि पावर पॉइंट में इतने छोटे छोटे डायमेंशन और इतने कर्व्स रहते हैं और इतने जगह की शॉर्टेज रहती है कि हम पूरे डायमेंशन, इस इतने डायमेंशन है इसको वहां पर लिख पाना या ड्रॉ करना संभव नहीं है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि ड्राइंग कैसे बनाया जाता है वह मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उसकी डायमेंशनिंग यहां से देख करके आप उसमें कंप्लीट डायमेंशन शो करिएगा। आइए अब हम किस तरह से असेंबली ड्राइंग इसका बनाएंगे अब इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम एक रिफरेंस लाइन खींच लेंगे, ये सेंटर लाइन जो रहेगी ठीक, ये इसको मिलाते हुए ये यहां से इसको खींचे। उसके बाद ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ये जो बेस प्लेट है इसको हमने ड्रॉ किया, उसके में स्टंप जो है ये देखिए अब इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अभी देखिए पहले ये पूरा कंप्लीट यहां ड्रॉ हो गया, देन ये वाला पार्ट इसके ऊपर फिट होगा। डायमेंशन वाइज आप देख सकती है, देखिए 560 40, ये 40 आप अगर ध्यान से देखेंगे, और जहां पर मैंने आपको आइसोमेट्रिक पिक्चर दिखाया था या फोटो दिखाया था उसमें भी मैंने यही बताया था। अब इसके बाद ये देखिए ये वाला पार्ट किस तरह से असेंबल होता है, और ये पूरी ड्राइंग को आप एज पर डायमेंशन, मैंने तो रफली बनाया है, आप एज पर डायमेंशन इसको फिट करते चले जाइए। ये देखिए ये अंदर होल है, इसके अंदर मैंने बुश फिट कर दिया है, ये वाला बुश को मैंने फिट कर दिया है। अब ये देखिए लैच वाशर इसको बनाया, लैच वाशर के ऊपर ये जो स्टड है स्टड को मैंने बनाया, ये देखिए इस स्टड को बना के और नट को लगा के लॉक किया। अभी देखिए ये जो लैच वाशर है इसको इस स्क्रू के थ्रू यहाँ टाइट करना, उसको मैंने बनाया। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ड्रॉ करिएगा एज इट इज, जैसा डायमेंशन दिया हुआ डायमेंशन के हिसाब से एज इट ड्रॉ करिएगा, इसके ऊपर इसको ड्रॉ करिएगा, इसकी फिटिंग्स देख लीजिए कि कहाँ कहाँ कैसे डायमेंशन मैपिंग के हिसाब से तथा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन दोनों का ध्यान रखते हुए इसको आप इसके ऊपर करिए। देन ये इसकी फिटिंग के साथ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देख लीजिए कितने हाइट पर रहेगा और क्या, ये इस तरह सेट हुआ। उसके बाद ये इस स्ट्रट से लॉक हुआ, उसके बाद लैच वाशर हमने यहाँ लगाया, इसको इस स्क्रू से हमने टाइट किया, इसके अंदर देखिए बुश यहाँ डाला और यहाँ डाला। अब आगे आप देखिए ये वाशर
ये जो बोल्ट ये देखिए ये इसको हमने लगा के इसको लॉक कर दिया क्योंकि ये घूमे ना, अगर इसको हम नहीं लगाते हैं तो अगर हमारे जॉब के साथ साथ ये भी राउंड है मे भी ये घूम जाए, तो इसके लगने से ये लॉक रहेगा। अब यह कंप्लीट फ्रंट व्यू बन गया है, देखिए बेस बन गया, इसके ऊपर ही जुड़ गया, इसके ऊपर ही जुड़ गया, इसके अंदर ये आ गया, एलएच वाला यहाँ आ गया, ये हो गया, इसमें वाशर हो गया, यहाँ वाशर हो गया। अब इसका हम टॉप व्यू बनाते हैं। अब ऊपर से देखिए इसका टॉप व्यू दिया हुआ है, उसी तरह से हमने जो आपको बताया, या आप इसको प्रोजेक्ट करके जिस तरह से ऑर्थोग्राफिक व्यू है इसका अगर प्रोजेक्शन करेंगे इसके तो आपको इसका टॉप व्यू मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये वाला सर्कल ड्रा किया, फिर ये वाला सर्कल ड्रा किया, फिर ये वाला सर्कल, क्योंकि ऊपर से दिखेगा नहीं है इसलिए डैश डैश में आया, उसके अब ए वाला ड्रा किया, ये पीसीडी है इन होल के लिए, देखिए इसके लिए ए वाला जो है ये पीसीडी वाला सर्कल है, अब ये वाला सर्कल मैंने ड्रा किया, देन देखिए ये वाला सर्कल मैंने ड्रा किया, इसमें देखिए वो छह होल हैं, ये देखिए छह होल है, इसको मैंने पूरा ड्रा कर दिया। अब ये देखिए ऊपर से जो बोल्ट दिखेगा नट और स्टड का, उसको मैंने ड्रा किया, इसमें अब देखिए लैच लैच वाशर ये देखिए इसको मैंने ड्रा किया, और ये सभी ड्राइंग एज पर देखिए टॉप से देखने से ऐसे दिख रहा है बट इसके ऊपर नट लग जाने की वजह से ये इतना हिस्सा छुप गया है। एज पर ड्राइंग जो आपको डायमेंशन दिया हुआ है, जहां से जो डिस्टेंस दिया हो उसके हिसाब से ड्रा करिएगा, मैं किस तरह से ड्रा करना है, किस पार्ट्स को कहां सेट करना है, इसके बारे में आपको एक आइडिया देता हूं और वो आइडिया दे रहा हूं। अभी देखिए ये जो स्क्रू है, ये वाला स्क्रू ये यहां होल में लगेगा, उसको मैंने लगाया, और ये एक कटिंग किया जो स्क्रू टाइट कर, ये स्लॉट देखिए 3 mm का स्लॉट है, उससे ज्यादा बड़ा बना है। ये टॉप व्यू कंप्लीट हो गया इसका, ये फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया, ये टॉप व्यू कंप्लीट हो गया इन पार्ट्स को असेंबल करने से। अब इसने बोला है कि फ्रंट व्यू फुल सेक्शनिंग चाहिए, फ्रंट व्यू सेक्शनिंग चाहिए, तो ये हमारा कटिंग प्लेन है, ये कटिंग प्लेन है, यानी हम यहाँ से यहाँ अज्यूम कर, ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ से यहाँ काट के फेंक दिया इसको, और देन इस साइड से देखे, इस साइड से देखे तो कैसा दिखेगा, इसको हम फ्रंट व्यू में सेक्शनिंग करके शो करते हैं। ये इस तरह से देखिए, सबसे पहले हमने इसका सेक्शनिंग किया, फिर इसकी सेक्शनिंग किया, फिर इसकी सेक्शनिंग किया, फिर इसकी सेक्शनिंग किया, इस तरह से यह हैचिंग हो गया। यहाँ मुझसे गलती हुई है कि यह डार्क और लाइट, आप इसको रेगुलर ही होना, हैचिंग का लाइन सब रेगुलर ही होना, ये हैचिंग का लाइन सब रेगुलर ही होना, इनके थिकनेस सेम होना। इधर देखिए यहाँ पर दो इसीलिए कि बूश का ही सेक्शनिंग है, देखिए ये बूश का सेक्शनिंग है और ये इस जो डिस्क इसका सेक्शनिंग है। इस तरह से ये सेक्शनल फ्रंट व्यू ए ए यहाँ से काट के यहाँ रिमूव करने के बाद जब यहाँ से देखेंगे तो ए ए सेक्शनल फ्रंट व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है, और ये मैंने अपने सुविधा के लिए यहाँ ड्रा किया था, और इस तरह से यह ड्रिल जिग का असेंबली ड्राइंग कंप्लीट हुआ। ओके।